हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा वीडियो का विषय है कि हम अपने बच्चों को डायपर पहनाने से जो रैशेज हो जाते हैं, उन रैशेज से हम उनको कैसे क्योर करें घरेलू उपायों के द्वारा। मेरे पास कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन है जिनके द्वारा आप अपने बच्चे के रैशेस को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना 1 रुपये खर्च किए। अक्सर क्या होता है कि बच्चे के रैशेस हो जाते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी या कोई भी प्रोडक्ट मैं बताऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस का होगा, या फिर घर के ही उपचारों द्वारा आप बच्चे के रैशेस ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही बात कहूँगी कि आप अगर बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो पहली बात तो डायपर ना पहनाएं। अगर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ऐसी है कि आपको डायपर पहनाना ही पहनाना है, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, या आपके घर में कोई फंक्शन है, या आप बच्चे के साथ कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, या कोई डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मीन्स आपको कोई बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट ऐसा वर्क है, तभी आप अपने बच्चे को डायपर पहनाएं, अदरवाइज़ ना पहनाएं। और दूसरी कंडीशन, अगर मदर हैं या पेरेंट जिनके वर्किंग होते हैं जिन बेबी के, तो वो उनको तो डायपर पहनाना ही पड़ता है बच्चे को। लेकिन अगर आप डायपर पहना रही हैं तो बच्चों को रैसेस से कैसे बचाएं, उसके लिए आज मैं बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, तो देखते रहिए एंड तक। अगर रैसेस हो गए हैं बच्चे के, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी इस कोकोनट ऑयल के बारे में। आपके घर में, सभी के घर में कोकोनट ऑयल होगा, सभी यूज़ करते हैं, मोस्टली हर घर में कोकोनट ऑयल मिल जाता है, क्योंकि ये हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। क्योंकि अगर आप कहीं जल गए हैं तब भी आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और बालों में तो सब लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन ये रैशेज़, अगर बच्चे के रैशेज़ हो जाते हैं डायपर पहनाने से या वैसे किसी और रीज़न की वजह से, तब भी आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी इतनी जल्दी रिकवर करता है और इतना अच्छा वर्क है इसका, क्योंकि ये मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे बच्चे के बहुत जल्दी रैशेज हो जाती हैं, मैं हालांकि डायपर नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे मैं क्लोथ डायपर भी बनाती हूँ तो उससे भी बच्चे के रैशेज हो जाते हैं। वो तब होते हैं जब हम किसी काम में लग रहे हैं और हमारे बेबी ने टॉयलेट कर ली, और हम किसी काम से किसी रीज़न की वजह से बच्चे को देख नहीं पाते हैं, और वो टॉयलेट वाली नैपकिन में ही बैठा हुआ है, खेल रहा है या सो रहा है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे के रैशेस हो जाते हैं। तो ये कोकोनट ऑयल जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल 100% इफ़ेक्टिव है और बहुत कॉस्टली भी नहीं है, तो आप इसे अफोर्ड कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। ये एक ऐसी जो बच्चे की स्किन पर ऐसे एक लेयर बना देता है कि अगर बच्चा टॉयलेट करता भी है तो स्किन बहुत जल्दी गीलेपन को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि तो ये जब भी आप जितनी बार भी इसको अप्लाई करोगे बेबी के नीचे वाले हिस्से पर, तो ये एक ऐसी एक लेयर सी बना देता है जिससे कि पानी स्किन पर नहीं टिक पाता है और बच्चे के रैसेज होने से बच जाते हैं। तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोकोनट ऑयल है या कोई भी आप अपने घर से कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या मार्केट की कोई लाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले वो तभी अप्लाई करें, पहले बच्चे के नीचे हिस्से को अच्छे से गुनगुने पानी से पोंछ लें और उसे सूखने दें। सूखने के बाद ही आप कोई भी क्रीम या ऑयल बच्चे के नीचे निचले हिस्से पर लगाएं, रैशेज वाली एरिया पर लगाएं। तो ये तो मैंने बताया पहली चीज़, कोकोनट ऑयल। अब इसके बाद हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं। ये देखिए, पतंजलि की रैशेज क्रीम मैंने यूज़ करी थी, मैंने मंगाई थी, क्योंकि मेरी बेबी के अक्सर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला मैं डायपर नहीं पहनाती हूँ फिर भी उसके हो जाते हैं, क्योंकि उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो ये पतंजलि के शिशु केयर की मैंने रैशेज क्रीम मंगाई थी, लेकिन ये इतनी मुझे इफ़ेक्टिव नहीं लगी, तो इसको तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप ये यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर नहीं है
और बहुत देर तक ये टिक भी नहीं पाती है, और लगाने के बाद पता ही नहीं पड़ता कि मैंने बच्चे की लगाई है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो ना करें। और बट मैंने यूज़ की थी, मैंने मंगाई थी, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो, इस वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो मॉम्स हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे चीज़ों में पतंजलि की चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर आपने ये मंगा रखी है तो ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। तो आप इसको, आपकी इच्छा है, इट इज़ योर कॉल, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एज यू विश, बट मुझे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगी तो मैं इसके लिए आपको नहीं बोलूँगी। अब हम बात करते हैं बोरो प्लस। बोरो प्लस ये तो सबके घर में होती है, ये भी बहुत ज़्यादा, जब कभी कभी किसी किसी कंडीशन में मेरे घर में कोकोनट ऑयल नहीं है और बोरो प्लस है, तो मैं बोरो प्लस भी अप्लाई करती हूँ। ये भी बहुत अच्छे से एक थिक लेयर बना देती है, और जब भी बेबी टॉयलेट करता है या जो भी है तो वो स्किन पर ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। वो इस अगर ये लगा हुआ है, बोरो प्लस लगा हुआ है, तो वो जो भी अगर बच्चा टॉयलेट करता है तो रैशेज नहीं होती, प्रोटेक्ट करता है बच्चे की स्किन को। तो आप बोरो प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कोकोनट ऑयल है वैसे ये भी बहुत इफेक्टिव है। प्लस इसका ये भी है कि आप अपने, अगर सर्दियों में भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर बच्चे के लिप्स क्रैक हो गए या स्किन क्रैक हो गए तो आप इसको उस चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कोकोनट ऑयल और बोरो प्लस। इसके अलावा आई एम टेलिंग अबाउट फोर्थ प्रोडक्ट, दिस इज न्यूस्पोरिन। आप देख रहे हैं न्यूस्पोरिन पाउडर है। हाँ, इसके मैंने आप एक वीडियो में आपको बताया था इसके क्या यूजेज़ हैं, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसको और किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे रैशेज़ वाले एरिया पर भी स्प्रिंग कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मैं अपने घर में हर वक्त रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे, अगर बच्चे की घमोरियाँ हो रही हैं या कहीं कट गया है या फिर कहीं जल गया है, तो बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रैसेस में भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे घर में रहती हूँ, मैं हमेशा इनको रखती हूँ, और ये रैशेज़ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। और बात करते हैं जैसे पेट्रोलियम जेली, आपके घरों में, सबके घरों में होगी पेट्रोलियम जेली, जो सर्दियों में अक्सर हम यूज़ करते हैं हाथ पैरों पर लगाने के लिए, फेस पर लगाने के लिए, लिप्स पर लगाने के लिए। तो पेट्रोलियम जेली भी आप बच्चे के रैशेस वाले एरिया पर लगा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। और आपने सुना होगा कि जो माँ का दूध होता है, माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है। तो आप ये सब चीज़ें अगर आपके पास नहीं है घर में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बच्चे के रैशेज हो गए हैं तो आप अपना बेस्ट मिल्क भी बच्चे के रैशेज वाले एरिया पर लगा सकती हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आप, जैसे मैंने बताया, ब्रेस्ट मिल्क भी अपने बच्चे के रैशेज वाले एरिया पे लगा दें, और उससे भी बहुत जल्दी बच्चे को आराम मिलता है, रैशेज वाली जगह पे रैशेज ख़त्म हो जाते हैं। तो आप ब्रेस्ट मिल्क भी लगा सकते हैं। और आप दही दही और खाने वाला सोडा, उन दोनों को मिलाकर उसका भी पेस्ट बच्चे के जो रैशेज एरिया पर लगा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये कुछ पांच छह चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ प्रोडक्ट मैंने बताए, तो इन सब चीज़ों से आप रैशेज बच्चे के ठीक कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और मैं इनको अक्सर यूज़ करती हूँ। मैं कोई महंगे प्रोडक्ट अपनी बेबी के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली केमिकली वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, और जिनका कोई यूज़ भी नहीं है, और वो इतने फ़ायदेमंद भी नहीं होते जितने कि इन सब चीज़ों से आपके बच्चे को आराम मिल सकता है। तो आप क्यों ना ये यूज़ करें, क्यों आप महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेटर ये सब चीज़ें आपके बच्चों को, आपके बच्चे के लिए काम आएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को अपने घर में यूज़ कर सकती हैं बच्चे के रैशेज़ के लिए। अगर ये सब चीज़ें आप यूज़ कर रही हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया, आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप कुछ भी चीज़ अप्लाई कर रहे हो बच्चे के रैशेज वाले एरिया पर, पहले आप उस एरिया को अच्छे से साफ़ करें, हल्के गुनगुने पानी से रैशेज वाले एरिया को अच्छे से साफ़ कर लें, नीट एंड क्लीन कर लें, और उसे थोड़ी देर खुला छोड़ दें, उसे नेचुरल एयर लगने दें। नेचुरल एयर से अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा घाव ठीक हो जाता है। और तो आप वो एरिया बच्चे का खुला रहने दें, जिससे कि वो सूखने के बाद
सूखने के बाद जब आप ये सारी चीज़ें लगाओगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप जब भी आप बच्चे को डायपर पहना रहे हो तो डायपर पहनाने से पहले ये ज़रूर लगा दें, ताकि रैशेज होने का कोई रैशेज होने से आप बचा सकें अपने बच्चे को। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको बताई जिससे कि आप अपने बच्चे को रैशेज से बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।